बच्चों अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। आप जानते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम। जानते हैं जब एक या एक से ज्यादा एटम कंबाइन हो जाते हैं तब जाके बनता है हमारा मॉलिक्यूल। ये आपको क्लियर है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे क्लासीफाई किया हुआ है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप देख पा रहे हैं पहला लिया है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर दोस मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम। नाम मोनो, मोनो माने एक होता है, तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक ही एटम होता है। तो आप देख पा रहे हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ये सिंबल है उनके, और ये इनर्ट गैस एटम भी कहलाते हैं, और इनको रखा गया है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की टर्म में क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, एज वेल एज अदर मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल इन नेचर। अब बात करते हैं डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सर यहां पे दो एटम कंबाइन होंगे तब जाके बनेगा डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो दे कंटेन टू एटम्स टूगेदर। अब बात करते हैं H2, N2, O2, Cl2, Br2, HCl, NaBr एटसेट्रा। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर यहां से लेके यहां तक Br2 तक दे आर नोन एज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें दोनों एटम सेम होते हैं, तो ये कहलाते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। आप देख पा रहे हैं दो H कंबाइन हुए H2 बना, दो N कंबाइन हुए N2 बना, दो O कंबाइन हुए O2 बना, दो Cl कंबाइन हुए Cl2 बना, दो Br कंबाइन हुए Br2 मॉलिक्यूल बना। लेकिन HCl NaBr में ऐसा नहीं है, यहां पर ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल तो है लेकिन दोनों एटम क्या है, डिफरेंट। H और Cl डिफरेंट है, NaBr में Na और Br भी डिफरेंट है, बट स्टिल बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसको बोलते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं, बताया था भी आपको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, इनको बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बोला मैंने, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि हेट्रो माने डिफरेंट एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर। क्लियर, हेट्रो एटॉमिक, होमो एटॉमिक। अब बात करते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स नाम से ही चल रहा है पता, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर तीन एटम कंबाइन हो एक साथ, दे कंटेन थ्री एटम्स टुगेदर। अब बात करते हैं एग्जांपल की O3 ओजोन बेटा, आप जानते हैं O3 CO2 H2O NO2 SO2। आप देख पा रहे हैं कि ये सारे के सारे यहां पे दो टाइप दिखा रहे हैं। पहली टाइप कौन सी है, होमो एटॉमिक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि यहां पे तीन O कंबाइन हुए हैं तब जाके बनाया आपका ओजोन मॉलिक्यूल, O3 मॉलिक्यूल। तो ये एग्जांपल रहेगा होमो एटॉमिक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल का। अब बात करते हैं CO2 H2 NO2 SO2। यहां पर नो डाउट एक कार्बन एटम है और आप देख पा रहे हैं कि दो O एटम है, दो H एटम, O एटम, एक O एटम, एक N एटम, दो O एटम, एक सल्फर एटम, दो एटम। ये तीन, ये सारे के सारे जो है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल है, लेकिन कौन से वाले, हेट्रो एटॉमिक, क्योंकि यहां पे एक से ज्यादा टाइप के एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो गिव ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब बात करते हैं टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। व्हेन मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ फोर एटम्स टुगेदर, तो यहां पे लिखा हुआ है दे कंटेन फोर एटम्स। अब एग्जांपल लेते हैं P4 H2O2 PCl3 एटसेट्रा। आप ध्यान से देखिए यहां पे फिर से दो क्लास बन रही हैं। ये जो क्लास पहली P4 है, इट विल बी द होमो एटॉमिक टेट्रा एटॉमिक, यानी कि चार पी एटम कंबाइन हुए तब जाके बना P4 मॉलिक्यूल। लेकिन H2O2 PCl3 में ऐसा नहीं है, दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ डिफरेंट एटम्स। तो यहां पे मोर देन वन टाइप या डिफरेंट एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, तो ये कहलाएंगे हेट्रो एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, हेट्रा। बात करते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। दे कंटेन मोर देन फोर एटम्स, यहां पे चार एटम से ज्यादा कंबाइन होंगे तब बनेगा हमारा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जांपल S8। बच्चों ये सल्फर होता है और ये सल्फर में आप देख पा रहे हैं आठ सल्फर कंबाइन होते हैं जब जाके बनता है हमारा सल्फर मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं CH4, तो यहां पे देखिए एक कार्बन का है, चार H के, कुल कितने हुए, पांच। अब देखिए C2H5OH, ये अल्कोहल होता है, ये मिथेन होती है बच्चों। अल्कोहल में आप देख पा रहे हैं इथेनॉल है, ये इथाइल अल्कोहल। तो दो कार्बन के हैं, पांच हाइड्रोजन के, पांच और एक कितना हुआ, छह। तो छह हाइड्रोजन के हैं, एक O का है। अब बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, तो दो H के हैं, एक सल्फर का है। बच्चों जहां पे कुछ लिखा नहीं होता है वहां पे वन माना जाता है, तो यहाँ पे वन है और O के चार है। यहाँ पे देखिए C6H6 बेंजीन है, तो आप देख पा रहे हैं ऑल दे आर एग्जाम्पल ऑफ, जी हाँ, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। लेकिन इसमें दो क्लास है, एक होमो एटॉमिक है और दूसरी क्लास कौन सी है, हेट्रो एटॉमिक। क्या ये आपको क्लियर है। शुरू करते हैं आयंस, तो आइए जानते हैं क्या होते हैं आयंस।
एन आयन इज इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल. बच्चों जब भी किसी पार्टिकल के ऊपर चार्ज होगा वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव तो वो पार्टिकल कहलाएगा हमारा आयन. एग्जाम्पल है Na प्लस और Cl माइनस. आप देख पा रहे हैं कि Na पे प्लस वन चार्ज है Cl पे माइनस वन चार्ज है तो यहाँ पे चार्ज आ गया इन पार्टिकल्स के ऊपर सो दे विल बी सिंपली नोन एज आयन्स. तो सर क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि जब किसी एटम पर प्लस या माइनस चार्ज आ जाएगा तो वो जो चार्ज एटम है वो आयन कहलाएगा. यस वी कैन से इट. एनी चार्ज एटम इज नोन एज आयन. हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसपे चार्ज है कोई भी ऐसा एटम जिसपे चार्ज प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा हमारा आयन. क्लियर है. अब सर सवाल ये है कि आयन बनते कैसे हैं. तो आयन बनते हैं बाय द लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम. जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर गेन करेगा सर दो ही केस बनते हैं. ध्यान रखिएगा रिएक्शंस ड्यूरिंग द रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में दो ही केस बनेंगे. या तो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. तो आयन्स आर फॉर्म्ड बाय द गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एग्जाम्पल रहेगा एनआयन एंड कैटायन. क्लियर. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आयंस की. तो हमने यहां पे आयंस लिखे हैं टाइप्स लिखे हैं. सर आयन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं एनायन एंड कैटायंस या कैटायंस और एनायंस ही बोल सकते हैं. तो अब बात करते हैं एनायंस होते क्या है और बनते कैसे हैं. तो यहां पे देखिए दे आर फॉर्म्ड व्हेन एन एटम गेन्स द इलेक्ट्रॉन. बच्चों जब भी कोई एटम बताया था आपको जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो चार्ज कौन सा आएगा माइनस. आइए बात करते हैं. यहां पे आप देख पा रहे हैं Cl गैस एटम O गैस एटम सल्फर गैस एटम ये यहां पे कुछ एटम लिए हुए गैसियस फॉर्म में और यहां पे एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. क्यों करते हैं सर रिएक्शंस में एटम का लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ताकि उन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए ताकि उनका ऑक्टेट रूल पूरा हो जाए. आप फिलहाल ये जानिए कि एटम्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन लेते और देते इसलिए ताकि वो स्टेबल हो जाए. यहां पे आप देख रहे हैं कि ये गैसियस एटम है ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो क्या बनाएंगे एनायन बनाएंगे. पक्की बात है ध्यान रखिएगा जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनायन बनेगा. एनायन यानी कि एटम के ऊपर माइनस चार्ज आएगा. और हां सर माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है इट विल डिपेंड अपॉन द हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड. कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं उतना ही माइनस चार्ज आएगा एटम के ऊपर वैसा ही बनेगा आपका टाइप ऑफ एनायन. क्लियर करते हैं एग्जांपल के साथ. सर सीएल गैस एटम में एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बनेगा एनायन बनेगा और कितना चार्ज आएगा माइनस वन. सर माइनस वन क्यों आया क्योंकि बच्चों सीएल ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है दैट्स व्हाई सीएल एटम इज एक्वायरिंग माइनस वन चार्ज. सीएल एनायन बन चुका है. अब बात करते हैं ओ गैस एटम. सर ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है स्टेबल होने के लिए और ये बन जाता कन्वर्ट हो जाता है ओ माइनस टू में. तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पे माइनस टू चार्ज क्यों आया है ओ के ऊपर क्योंकि ओ एटम ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं. अब सल्फर जो है वो सल्फाइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है एस माइनस टू में कन्वर्ट हो रहा है. तो आप समझ रहे हैं कि सल्फर के ऊपर माइनस चार्ज आया और माइनस टू आया है इट मीन सल्फर ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं. क्लियर हुआ. सो दिस इज द ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एनायन. अब बात करते हैं कैटायन बनते कैसे हैं. यहां पे कैटायंस कैसे बनते हैं दे आर फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन. जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पे आएगा प्लस चार्ज. लेकिन सर कितना प्लस चार्ज सर डिपेंड करता है कि वो एटम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है कितने एटम लूज कर रहा है. जितने एटम वो लूज करेगा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज उतना ही उसके ऊपर आ जाएगा. क्लियर नहीं हुआ एग्जांपल से क्लियर करेंगे. आइए मेरे साथ लिथियम यहाँ पे सोडियम मैग्नीशियम यहाँ पे एग्जांपल हमने तीन ली है तीनों गैसियस एटम है. यहाँ पे लिथियम जो है आप देख रहे हैं वो कन्वर्ट हो रहा है Li प्लस वन में प्लस चार्ज आ रहा है. इट मीन्स लिथियम एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है. सर प्लस वन चार्ज आ रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वन इलेक्ट्रॉन लूज किया इसलिए Li पे प्लस वन चार्ज आया है. अब बात करते हैं Na प्लस यानी कि सोडियम कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है आफ्टर द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. मैग्नीशियम एटम Mg प्लस टू आयन में कन्वर्ट हो रहा है Mg प्लस टू कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है बिकॉज इट इज लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर हुआ. सो दिस वाज ऑल अबाउट द आयंस. आयंस क्या होते हैं आयंस कैसे बनते हैं आयन के टाइप कितने होते हैं होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा. लेते हैं बच्चों टाइप ऑफ आयंस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम की आपके आयन में कितने एटम हैं. बच्चों अगर आपके आयन में एक ही एटम है तो वो कहलाएगा सिंपल आयन.
क्लियर है। लेकिन अगर आपके आयन में एक से ज्यादा एटम है तो वो कहलाएगा पॉलीएटॉमिक आयन, दो है, तीन है, चार है, पांच है, तो वो कहलाएगा पॉलीएटॉमिक आयन। आइए जानते हैं, सिंपल आयन्स दे कंसिस्ट ऑफ वन एटम हैविंग चार्ज। पॉलीएटॉमिक में सर दे कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज। अब बात करते हैं सर, यहां पे लिया हुआ है सोडियम कैटायन, तो आप देख रहे हैं कि Na प्लस, क्लोराइड आयन Cl माइनस, सिल्वर कैटायन Ag प्लस, ऑक्साइड एनायन O माइनस टू, आयोडाइड एनायन I माइनस वन, एल्यूमिनियम कैटायन Al 3 प्लस, यानी प्लस 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 तीन बार आएगा, तो हमने क्या लिखा 3 प्लस लिख दिया। क्या है, क्लियर है आपको? सर ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपने कैटायन भी लिए हैं और एनायन भी लिए हैं, और यहाँ पे इन कैटायन और इन एनायन में केवल एक ही एटम की चार्ज को कैरी कर रहा है, दैट्स व्हाई दे आर कैटेगराइज एज सिंपल आयन। तो ये सिंपल आयन के टाइप होंगे। अब बात करते हैं पॉलीएटॉमिक आयन में, ये तो हम सीख ही चुके कि यहाँ पे आयन ऐसे आयन जिसके अंदर ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, ऐसे आयन जिसके अंदर ग्रुप ऑफ एटम होते हैं वो कहलाते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। तो आइए देखते हैं हाइड्रोक्साइड आयन बच्चों OH माइनस, तो आप देख पा रहे हैं कि OH माइनस में दो एटम है O एंड H, और चार्ज बना रहा है माइनस वन। बच्चों थोड़ा सा एडिटिंग करेंगे, यहाँ पे एनायन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा कैटायन, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां से एडिट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं आपका कैटायन। क्लियर है? चलिए तो अब बात करते हैं अमोनियम कैटायन की। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं अमोनियम कैटायन में कितने एटम है, हाइड्रोजन के चार और एक नाइट्रोजन का, पांच एटम है। क्लियर हुआ? कौन सी टाइप होगी? पॉलीएटॉमिक आयन। अब बात करते हैं सल्फेट एनायन की। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर सल्फेट एनायन पे माइनस टू चार्ज तो है, लेकिन कितने एटम है? तो आपका आंसर होगा कि चार ऑक्सीजन के और एक सल्फर का, फाइव एटम्स आर देयर इन सल्फेट एनायन। तो कौन सी क्लास होगी? पॉलीएटॉमिक आयन। अब बात करते हैं बच्चों कार्बोनेट एनायन की। कार्बोनेट एनायन का फॉर्मूला होता है CO3 माइनस टू, तो यहाँ पे माइनस टू चार्ज आ रहा है, और इस एनायन के अंदर जो है 3 O के और 1 कार्बन का, चार यहाँ पे 4 एटम्स आर देयर। क्लियर है? बात करते हैं कार्बोनेट एनायन की। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कार्बोनेट एनायन में तीन ऑक्सीजन के एक कार्बन का है, और यहाँ पे चार जो है एटम है CO3 माइनस टू आयन के अंदर। अब बात करते हैं फॉस्फेट एनायन की। तो फॉर्मूला होगा PO4, 3 माइनस चार्ज आ रहा है इसके ऊपर, इस एनायन में चार ऑक्सीजन के और एक फास्फोरस का, कुल मिला के हुए पांच एटम, तो यहाँ पे फाइव एटम्स आर देयर इन केस ऑफ फॉस्फेट एनायन। क्लास कौन सी? पॉलीएटॉमिक आयन। अब बात करते हैं एसिटेट एनायन, सर फॉर्मूला देखिएगा CH3COO माइनस वन चार्ज। अब यहां पे देखिए कितने एटम होंगे, कार्बन का 1, H के 3, C का 1, O के 2 हो गए, तो ये कितने हो गए सर 1, 3, 4, 5 और 2, 7, 7 एटम्स आर देयर। तो क्लास कौन सी होगी? पॉलीएटॉमिक आयन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ आयंस। क्लियर हुआ बच्चों? तो आयन के दो टाइप होते हैं, चार्ज के बेस पे कैटायन और एनायन, और सर नंबर ऑफ एटम के बेस पे भी दो टाइप होंगे, सिंपल और पॉलीएटॉमिक। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को बताएं और पॉज करें, दोबारा देखें, बट कंसेप्ट क्लियर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।